ये देखिए, लग रही है ना एकदम स्वादिष्ट, टैम्पटिंग और अमेजिंग। बिना किसी स्पेशल मसाले के, बिना कोई मेहनत किए हुए और बिना घंटों लगाए सिर्फ 12 मिनट में तैयार करेंगे ये हलवाई स्टाइल आलू गोभी की स्पेशल सब्जी। जैसे ही आप इसे मुंह में डालेंगे इसके स्वाद में खो जाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी हलवाई की वो सीक्रेट टिप्स जो कोई नहीं बताता, खुद हलवाई भी आपको नहीं बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी मजेदार हलवाई स्टाइल झटपट आलू गोभी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है फूल गोभी। तो यहाँ मैंने बड़े साइज का एक फूल गोभी लिया था और उसके सारे फूल मैंने इस तरह से अलग कर लिए और पानी से धो करके साफ करके तैयार कर लिया है। यहाँ अगर मैं वजन से बोलूं तो ये लगभग 450 ग्राम के करीब मैंने गोभी लिया है। यहाँ जो आपको फूल अलग करने हैं वो इस प्रकार से थोड़े डंटल सहित आपको करने हैं अलग, मतलब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए पीस, क्योंकि छोटे पीस रहते हैं तो वो ग्रेवी में जल्दी गल जाते हैं। तो चलिए, गोभी हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज के आलू जिनको मैंने दो भाग में कट कर लिया है इस तरह से। थोड़े से बड़े बड़े आलू रखेंगे ना तो जैसे हलवाई बनाता है ना आलू गोभी की सब्जी, उसमें बड़े बड़े आलू होते तो बिल्कुल वही लुकिंग आएगी और ये खाने में भी बढ़िया लगते हैं। तो इस तरह से मैंने आलू काट करके साफ करके पानी में डाल दिया था जिससे ये काले ना पड़े। तो यहाँ पर पानी के साथ नहीं लेंगे, पानी सारा निकाल दीजिए और आलू को एक बार पोंछ लेंगे। आलू गोभी हमारे दोनों रेडी हैं। आज ये आलू गोभी हलवाई स्टाइल एकदम झटपट बनाएंगे, वो भी कुकर में। किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये आलू गोभी कुकर में बनी हुई है, एकदम जल्दी बनेगी और बहुत शानदार बनेगी। अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। ऑयल को करेंगे मीडियम फ्लेम पर गरम और तेल के गरम होते ही यहाँ हम लेंगे सबसे पहले हमारे फूल गोभी, इसको हम करेंगे हल्का सा शैलो फ्राई। अब यहाँ गोभी को सिर्फ हल्का सुनहरा करना है कि इसमें एक बढ़िया सी लेयर आ जाए, एक क्रस्ट सा बन जाए जिससे कि गोभी सब्जी में जाकर गले नहीं और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, यही हलवाई भी करते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। इससे क्या होगा कि जब आप सब्जी में गोभी को खाएंगे तो फीका फीका नहीं लगेगा, साथ ही हल्दी डालने से गोभी पर कलर अच्छा आ जाएगा। तो गोभी बिल्कुल बढ़िया सा हमारा शैलो फ्राई हो गया है, एकदम लग रहा है ना ऐसे ही खा लो। तो इसको निकाल लेते हैं और अब इस तेल में ही हम फ्राई करेंगे हमारे आलू, लेकिन यहाँ पर हम डालेंगे पहले 2 बड़े चम्मच और ऑयल, इससे आलू का टेस्ट एकदम दुगना हो जाएगा। इस प्रोसेस में मुश्किल से आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे आलू और गोभी को फ्राई करने में। और आप देख सकते हैं कि आलू पर भी बढ़िया सा सुनहरा रंग आ गया है। इस तरह से शैलो फ्राइड आलू आप डालेंगे सब्जी में तो उसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। तो बस आलू को भी इस स्टेज पर निकाल लेंगे। अब आप वापस से गैस जलाएं और उसी कुकर में जो ऑयल बचा हुआ है उसी में हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम को अब यहाँ बिल्कुल लो रखिए, कोई चीज जले नहीं। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से खड़े मसाले, तो 2 तेज पत्ता, 3 मैंने हरी इलायची ले ली है और 2 लौंग ली है, 1 चक्री फूल लिया है और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए है। अभी लाल मिर्च बाद में डालेंगे, पहले इतनी चीजें पहले डाल देंगे और सभी चीजों को लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें फटाफट से डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च जिससे कि जले नहीं। साथ ही यहाँ पर अब जाएगी इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर हल्का गुलाबी होने तक हम इसको भूनेंगे, इससे जो सब्जी का टेक्सचर है ना वो बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट तो पूछे मत। चलिए, तो जब तक हमारी प्याज भुन रही है फटाफट करते हैं एक छोटा सा काम जिससे जगेगा स्वाद का जादू। अब हम बनाएंगे एक मैजिक मसाला। आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ फ्लेवरफुल चीजें। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, लगभग 8 से 10 लहसुन की गली, 2 से 3 हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, ये टेस्ट बहुत अच्छा देता है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए कुछ 7-8 साबुत काली मिर्च। तो सभी को पहले आप ग्राइंडिंग जार में डाल दें। ये जो मैं मसाला बना रही हूँ ना, यही मतलब आप समझिए कि मेन जान होगी सब्जी की। अब आएगी यहाँ पर हलवाई की सीक्रेट ट्रिक और वो है ये बीट रूट यानी चुकंदर। अब आप सोच रहे होंगे चुकंदर का क्या काम है आलू गोभी में। सच मानिए, जब आप ये बीट रूट डालेंगे कोई टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जो कलर और जो रंगत आएगी सब्जी की, आपको विश्वास नहीं होगा कि बिना किसी रंग या बिना किसी कश्मीरी लाल मिर्च के इतनी शानदार और रौनक भरी आपकी आलू गोभी बनी है। और यकीन मानिए बिल्कुल भी टेस्ट चेंज नहीं होगा। यही ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की थी जब मैंने आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर की थी कि भाजी में बढ़िया कलर कैसे लाएं। अब यहाँ पर आप बस 1 चम्मच डालिए पानी और इसको बढ़िया से पीस लेंगे। ये है वो सीक्रेट ट्रिक जिससे बढ़िया रंगत आती है सब्जियों में हलवाई की। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपके साथ गोभी मटर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी शेयर की है, आप वो भी जरूर ट्राई करें, आपका दिल खुश हो जाएगा।
जब बाहर की कोई भी चीज़ क्रीम वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेंगे तब भी आप देखिएगा कितनी शानदार और कितनी लाजवाब हमारी आलू गोभी तैयार होगी। और अभी आप देख सकते हैं कि प्याज का रंग हल्का गुलाबी सा हो गया है, इससे ज्यादा हमें इसे बिल्कुल नहीं भूनना। बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा हलवाई वाला मैजिक मसाला। सारा पेस्ट हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे और यहाँ हम मसाले के साथ प्याज और सभी चीजों को तब तक भूनेंगे जब तक कि जो बीट रूट डाली है उसका कच्चापन ना निकल जाए और एकदम बढ़िया मसाले में से खुशबू ना आने लगे। आप देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल बढ़िया से भुन गया है और ऑयल छूट रहा है, यानी ऑयल रिलीज कर रहा है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 3 टमाटर जिसको मैंने यहाँ दरदरा सा कर लिया है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है। आप देख सकते हैं थोड़े से चंक्स भी दिखाई दे रहे होंगे, हलवाई बिल्कुल इसी तरह से डालते हैं। या तो आप 3 टमाटर लेके ना कद्दूकस भी कर सकते हैं, एकदम देसी वाला टेस्ट आएगा। अब जो इस सब्जी में रंगत आएगी ना पूछिए मत, इतनी लाजवाब, कलर में भी टेस्ट में भी मजा आ जाएगा इस ठंड में खा करके, क्योंकि आलू गोभी तो सभी के घर में पूरी सर्दी लगभग बनते ही है। अब यहीं पर हम डाल देंगे कुछ मजेदार से मसाले। तो आधा छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ हल्दी, साथ ही इसमें जाएगा 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इस तरह से मसल कर डालें, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया निकल कर आता है। जितने भी हलवाई वाली सब्जियां होती है उसमें कसूरी मेथी जरूर पड़ती है। सभी चीजों को करेंगे मिक्स और यहीं पर जिस मिक्सी में मैंने वो मसाला पीसा था ना उसमें बस 1 बड़ा चम्मच के करीब पानी डाल करके यहीं पर हम डाल देंगे, जिससे कि जो मसाले हैं वो बिल्कुल जले नहीं। और जब तक पूरा मसाला और टमाटर अच्छे से ऑयल न छोड़ने लगे तब तक हम लो मीडियम फ्लेम पर इसको बढ़िया से भूनेंगे। बीटरूट डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी तैयार कर सकते हैं। फिर चाहे तो आप थोड़ा सा फिर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर यूज करें। और ये देखिए मसाला, आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त बढ़िया भुना है और पूरा टमाटर जो है तेल छोड़ रहा है। ये देखिए जब बिल्कुल बढ़िया सी खुशबू आने लगे, इस वक्त मेरा पूरा किचन महक रहा है और एकदम रंगत आप देख सकते हैं कि देखने से ही बन रहा है कि कितनी लाजवाब इसका कलर आया है। तो बस इस स्टेज पर लो फ्लेम पर मैं इसमें डाल रही हूँ सारे गोभी और आलू जो हमने पहले से शैलो फ्राई करके रखे थे, और बिल्कुल हल्के हाथ से लो मीडियम फ्लेम पर मसाले के साथ गोभी और आलू को बस 1 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि जो मसाला है ना वो बिल्कुल बढ़िया से गोभी और आलू पर लिपट जाए। ये देखिए क्या मस्त दिख रही है, सिंपल से घर के मसालों से, कोई हमने क्रीम काजू कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, एकदम सिंपल तरीके से आपकी गोभी आलू बनेगी लेकिन एक लाजवाब स्वाद के साथ। बस 1 मिनट बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 3/4 कप पानी, ऐसा समझ लीजिए 1/2 कप से 2 चम्मच और ज्यादा। ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हम हलवाई स्टाइल जो गोभी आलू मसालेदार होती है हल्की गाढ़ी साइड पर हम बिल्कुल वो बना रहे हैं। अगर आपको ज्यादा पतली करनी हो तो आप थोड़ा ज्यादा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये कुकर में बना रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा पानी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छी से मैंने मिक्स कर दिया है। अब हाई फ्लेम पर इसमें हम लगाएंगे सिर्फ 1 सीटी और तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे 1 विसल आते ही। इससे ज्यादा हम बिल्कुल नहीं पकाएंगे वरना हमारी सब्जी पूरी मैश हो जाएगी, इसलिए सिर्फ 1 विसल और आपकी हलवाई स्टाइल आलू गोभी होगी बिल्कुल तैयार। और 1 सीटी आ गई है, मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया था और अब आप देख सकते हैं विसल पूरी तरह निकल चुकी है। जब पूरा विसल यानी स्टीम पूरी निकल जाए उसके बाद आप इसका लिड हटाएं और अब इसका लिड खोलेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारी हलवाई स्टाइल आलू गोभी तैयार हुई है, वो भी प्रेशर कुकर में। मात्र 12 मिनट लगा है मुझे फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए। सच मानिए इतनी टेस्टी होती है कि जब आप एक बार बनाएंगे ना आप सारी सब्जियां छोड़ पूरी सर्दी आलू गोभी का जब भी नंबर आएगा ऐसे ही बनाना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर कलर आ जाता है और जो टेस्ट है वो तो पूछिए मत। सिंपल मसालों से बनी हुई प्रेशर कुकर में बहुत ही बढ़िया आलू गोभी की ये सब्जी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और थोड़ा सा इसको मैं गार्निश कर रही हूँ बारीक कटे हुए हरे धनिए से। आप इसकी रंगत, इसका कलर देख सकते हैं एकदम नेचुरल, हमने कोई कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह कुछ यूज नहीं किए, एकदम बेहतरीन हमारी जबरदस्त हलवाई स्टाइल गोभी आलू तैयार है। और इसकी आप ग्रेवी भी देख सकते हैं, ना बहुत ज्यादा गाढ़ी ना बहुत ज्यादा पतली, बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको बनाया है। और ये देखिए आलू भी बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं, ये देखिए परफेक्ट। और ऐसा नहीं है कि कुकर में बनाया है तो कोई भी चीज मैशी हुई है, ना फूल गोभी मैश हुआ है और ना ही आलू, परफेक्ट बने हैं। बस आप जिस तरह मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही बनाएं, आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा और फिर चाहे किसी भी चीज के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको ये, चाहे आप इसे अब गर्मा गर्म चावल रोटी पराठा पूड़ी किसी के साथ भी एंजॉय कीजिए। और हाँ 100% मैं बोल रही हूँ, जिसे गोभी पसंद नहीं होगा ना एक बार आप उसे ये खिला दीजिए उसको भी गोभी से प्यार हो जाएगा, इतनी टेस्टी ये सब्जी बनती है, आप इसे जरूर बनाएं। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी हलवाई स्टाइल झटपट बनने वाली
आलू गोभी की लाजवाब सब्जी। तो कैसी लगी आपको ये हलवाई स्टाइल आलू गोभी की झटपट बनने वाली सब्जी, मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं आप मुझसे और कौन सी नई रेसिपी जानना चाहते हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक और सभी के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने चैनल कुक विद पारुल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। सारी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।